चट्टान के लिए हम ताली बजाते हैं। वचन को अपने जवान को कलीसिया को तेरे लहू से धाम के मार कर वचन एक हिमा के नहीं के तरह चले गए प्रभु। हम मनुष्य जाति है, कई बार छुप जाते हैं प्रभु, दिख जाते हैं हमको तेरा वचन काटे छांटे प्रभु और हमको ऐसा रास्ता दिखा दे प्रभु ताकि हम तेरे राज के लिए खड़े हो सके परमेश्वर और तेरे राज में हम पिताजी ऐसा सुंदर जगह देना स्वर्ग में जहाँ पर हम हमारा जो शिक्षा है आज का वो है हाउ टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग के राज में हम कैसे प्रवेश करेंगे। कलीसिया कौन ऐसा मनुष्य नहीं है जो स्वर्ग सभी जानना चाहते हैं स्वर्ग, क्या विश्वास है, क्या विश्वास है हर एक मनुष्य। लेकिन कलीसिया कभी कभी कुछ रास्ते हैं, कुछ रुकावटें हैं जो स्वर्ग रोक रहा है। आज उस रुकावटें को आज वचन के द्वारा हम सुनेंगे और हम सीखेंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है जो देखनाई में मैं द्वार हूँ, मैं फाटक हूँ। कलीसिया और कोई फाटक दुनिया में नहीं है, केवल वही एक फाटक है हमारा यीशु मसीह। प्रभु कहता है यदि कोई मुझ में से होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी। उसकी रक्षा कैसे होगी? स्वर्ग दूत उसकी रक्षा करेंगे, यीशु मसीह परमेश्वर उसकी रक्षा करेंगे और स्वर्ग और पवित्र आत्मा उसकी रक्षा करेंगे। वो भीतर आएगा, बाहर जाएगा और उसे चाहरागा मिलेंगे, यानी कि वो व्यक्ति जो प्रभु को स्वीकार कर लेता है, प्रभु के पीछे भागता है, चलता है, वो हमेशा आएगा, जाएगा और क्या उसके साथ में प्रभु होगा और उसको यानी कि पवित्र वचन उसको मिलेगा। वचन के द्वारा वो हर्ष पुष्ट रहेगा, भला चंगा रहेगा, ऐसा पेड़ रहेगा जो नदी के किनारे होती है। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं चोर चोरी हत्या और विनाश के लिए ही आता है। हम जानते हैं शैतान है, धरती का जो चोर है वो शैतान है। शैतान विनाश के लिए आता है, बर्बाद कर देता है घर द्वार। लेकिन प्रभु कहता है किंतु मैं इसलिए आया हूँ कि लोग भरपूर जीवन पाए। प्रभु का जन्म इसलिए हुआ है, हमारे और तुम्हारे लिए हुआ है ताकि हमारा जीवन खुशहाल जीवन हो, आनंद जीवन हो, सुखदायक जीवन हो और फलवंत जीवन हो। इसीलिए यीशु का जन्म हुआ इस धरती के ऊपर। सामिश कहता है 104 में धनवा के गीत संग लिए हुए यहोवा के नगर में आओ। कलीसिया हर दम हर वक्त आप जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर को धन्यवाद दे क्योंकि उससे हम सभी पे प्राण को बचाया। एक एक आशीषों के लिए उसको हम धन्यवाद दें। उसके नगर में, उसके घर में, उसके गांव में आओ धन्यवाद के गीत गाते हुए, गुनगुनाते के गीत सब लिए हुए यहोवा के मंदिर में उसके भवन में आओ। गुनगुनाते रहो महिमा बड़ाई प्रशंसा के साथ में यीशु के मंदिर में आओ और प्रभु कहता उसके आदर करो, उसके आगे अपना सिर को निभाओ क्योंकि उससे बढ़कर कोई नहीं है और उसका नाम को धन्य कहो चाहे परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर की दी ग्लोरी मास्टर। मैथ्यू 5:19-20 में प्रभु कहता है इसलिए जो कोई आज हर एक प्रचारक से कह रहता है, प्रभु कह
पिता बच्चों को सिखाते हैं वो भी प्रचारक, हम सभी को प्रचारक है यहाँ पर। प्रभु क्या कहता है प्रचारक लोग से कि यदि कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ता है, मरोड़ता है और सिखाता है, यानी कि बाइबल का जो वचन है प्रभु कहता है लोगों को सिखाता है तोड़ मरोड़ कर, कलीसिया का स्वर्ग तो जाएगा लेकिन वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। यीशु आज यही कहता है परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा यानी कि वचन का पालन वो स्वयं करेगा और उन्हें सिखाएगा वह स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा, उसको ऊंचा पदवी परमेश्वर स्वर्ग में देगा। हालेलुया। यीशु कहता है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। ये शास्त्री कौन है, ये फरीसी कौन है, ये कानून बनाने वाले लोग थे मूसा के समय, वे बहुत कड़ी कड़ी कानून बनाते थे और लोगों को जबरन उसमें चलने की आज्ञा को देते थे। लेकिन प्रभु कहता है वे लोग भी धार्मिक थे लेकिन हमारा धार्मिकता हमारा जीवन इनके जीवन से अच्छा होना चाहिए, यानी कि पवित्र जीवन हम जिएंगे तब हम स्वर्ग जा सकेंगे। हालेलुया। प्रभु आज हमको ये कह रहा है मैथ्यू 7:13-14 में प्रभु कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, कलीसिया सकेत फाटक यानी नेरो रोड, ये रास्ता में कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, हम गिर जाते हैं, पतला रास्ता है, एक के पीछे एक चलना पड़ता है, कपड़ों में मिट्टी लग जाती है, फिर हम उठते हैं, फिर हम चलते हैं, ये रास्ता में कलीसिया बहुत सतावा है, जो मसीही जीवन है ये बहुत कठिन जीवन होता है, लोग बदनाम करते हैं, बेइज्जती करते हैं, खिल्ली करते हैं, लेकिन हमको हारना नहीं चाहिए, यही सकेत फाटक से हमको चलना चाहिए। प्रभु कहता है क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। एक जो चौड़ा फाटक है एक दुनिया है, ये जो दुनिया है वो एक जाल है, जैसे मछुआ मारता है जाल में मछली फंस जाते हैं, तो लोग उसमें से दुनिया में जब एक बार लोग चले जाते हैं हमारे नौजवान उसमें से निकल नहीं पाते हैं और जाल के तरह उसको समेट लेता है, जब वहां से निकलने की कोशिश करते जैसे मछुआ जाल को खींचता है उसी तरह दुनिया खींचता है अपनी ओर खींचते चले जाता है और लोग उसमें फंस जाते हैं और विनाश यानी नरक को चल देते जाते मर जाते हैं। तो हम सावधान होना चाहिए, बहुत से हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं यानी कि चौड़े फाटक से। तो कलीसिया प्रभु कहता क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, सरल फाटक से हम प्रवेश करने की कोशिश करें। तो प्रभु आज हमसे कहता है कि हम सब हमारे जो नवान बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे आज हम कौन सा फाटक में चल रहे हैं, सकेत फाटक से या चौड़े फाटक से, जरा अपने आप को ख्याल करे, सावधान रहे इसमें से हम आज चल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु हम सभी को सावधानी दे रहा है। मैथ्यू 18:3 में प्रभु कहता है मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक तुम लोग बदलोगे नहीं, कलीसिया हमको बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए हमको, और इसलिए अपने आप को यदि कोई इस बच्चे के समान ना बदल ले, एक बच्चा हम बच्चे की ओर देखते कि बच्चा कितना छोटा और छोटा बच्चा बैठा है, बच्चे कितने मासूम होते हैं, पवित्र होते हैं, बच्चे लड़ते झगड़ते तो हैं लेकिन थोड़े देर में वे फ्रेंड बन जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि वे किसी से लड़ाई झगड़ाते हैं, तो हमको बच्चा नहीं बनना चाहिए, उनके तरह हमें नम्र और दीन बनना चाहिए। जब प्रभु नम्र और दीन जो बनता है वही स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा होता है। हम्बल योरसेल्फ एज अ चाइल्ड टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। प्रभु कहता है लूक 13:23 में किसी एक व्यक्ति ने प्रभु के पास आया और कहा कि हे प्रभु क्या थोड़े लोगों का उद्धार होगा, थोड़े लोग स्वर्ग जाएंगे, तो प्रभु उनसे कहता है संकरे यानी सकेत फाटक से प्रवेश करने की हर पल कोशिश करो। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि भीतर जाने का प्रयत्न बहुत से लोग करेंगे
पर जा नहीं सकेंगे। प्रभु कहता है जब एक बार घर का स्वामी उठकर दरवाजा बंद कर देता है तो तुम बाहर ही खड़े होकर दरवाजा खटखटाते रहोगे, हे स्वामी मेरे लिए दरवाजा खोल दे। किंतु वह भीतर से उत्तर देगा, मैं नहीं जानता तुम कहां से आए हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे साथ खाया, तेरे साथ पिया, तुमने हमारी गलियों में शिक्षा दी है परमेश्वर। उस समय प्रभु पहाड़ जंगल में शिक्षा दे रहा था, प्रभु अपने आप को नहीं देखा कि उसके पैर में झटका पड़ गए हैं, लेकिन वो सबको नहीं देखा। आज प्रभु कलेशिया हम देखते हैं और प्रभु कहेगा भीतर से खटखटाते रहोगे, हे स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोलते, किंतु वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता तुम कहां से आए हो। पर तुम कहने लगोगे, हमने तेरे साथ खाया पिया सब कुछ किया है। तो परमेश्वर यही कहता है हम लोगों से कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, अरे कुकर्मियों मेरे पास से भाग जाओ। आज कलेशिया हम प्रभु के लिए यहाँ आए, यहाँ बैठे हैं, रात रात हफ्ता हफ्ता हम कलेशिया आते हैं। हम अपने आप को जरा देखें कि जब जजमेंट होगा तो प्रभु इस तरह से हमको दुरियाएगा, हमको कैसा लगेगा, क्यों प्रभु ऐसा कहेगा आज हम लोगों को। एक हमारा आत्मा के लिए कितना पीड़ा होगा उस समय। कलेशिया आज हमारे में जो भी कुछ कमी है घटी है या पाप हम कर रहे हैं, आज हम अपने आप को जरा देखें, अपने आप से सावधान हो जाए ताकि जो एरिया में हम पाप कर रहे हैं उस पर हम सुधार लाए, हम प्रभु के साथ में हम पवित्र हो जाए, प्रभु से हम क्षमा मांग ले। कलेशिया अभी समय है, क्योंकि कल कौन देखा है, किसी ने नहीं देखा है। क्षमा मांगो तो क्षमा दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है कि हम ऐसे तिलक की खेल तमाशा में अपने जिंदगियों को बर्बाद नहीं करते, लेकिन उसके लिए हम अपना समय को व्यतीत करें। हालेलुया, आज प्रभु हमसे यही कह रहा है। हालेलुया हालेलुया। हिब्रूस 12:14 में प्रभु कहता है सबसे मेल मिलाप रखो। ए मेल मिलाप तो ठीक है, क्या जाति क्या भाषा, सभी से मेल मिलाप करना अवश्य है, और किसी की कोई नीड से जरूरत है उनके लिए हाथ बढ़ाना होगा, और संसार में कितने पीड़ित लोग हैं उनके लिए दुआ करना होगा, यही मेल मिलाप प्रभु कह रहा है। हालेलुया। और उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके द्वारा कोई पिता को कदापि ना देखेगा, यानी कि अपने आप को पवित्र बनाओ, कोशिश करो साफ और सुथरा जीवन को हमको जीना होगा। पिता कहता है हालेलुया, ध्यान से देखते रहो, यानी कि वार्निंग दे रहा प्रभु, अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो। हालेलुया, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। प्रभु कहता है कि हम प्रभु से दूर ना हो जाए, भटक ना हो, भटक ना जाए हम यीशु मसीह से। प्रभु कहता है या कोई ऐसा कड़वा, यानी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, यानी कि कोई कड़वा जल फूट कर कष्ट न दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाते हैं। हम किसी से दुश्मनी ना रखे, किसी से लड़ाई ना करें, हम इतना कठिन लड़ाई झगड़ा हम ना करें किसी से कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो क्या वो अशुद्ध हम मैले हो जाते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिब्रू 6:4 में प्रभु कहता है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हम सभी ने एक बार ज्योति पाई है कलीसिया, और जो स्वर्ग वरदान का स्वाद जग चुके हैं, स्वर्ग आशीष मिल गया है, टैलेंट्स मिल गया है, हमको सब कुछ मिल गया है, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा भी हमको मिल गया है, और परमेश्वर के उत्तम वचन का उत्तम वचन, श्रेष्ठ वचन हमको मिल गया है, और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, जो फ्यूचर के हम लोग के फ्यूचर के बारे में भी हम लोग के सब कुछ मिल गया कि फ्यूचर में हमारे ऊपर भविष्य मानी हुई है, सब कुछ मिल गया है हमको। ओ हालेलुया, प्रभु क्या कहता है, यदि वे भटक जाएं,
तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना मन होना है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को फिर से प्रभु के पास लेकर आना इम्पॉसिबल है, प्रभु कहता है। तो हम देखते हैं कि हमारे मसीह लोग परमेश्वर से कितना फायदा उठाते हैं, सब कुछ मिल जाता है उनको, वे प्रभु से दूर हो जाते हैं कलेशिया, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं वे लोग, और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं, दोष लगाते हैं, यीशु को गाली देते हैं। आज वचन हमसे कह रहा है, फिर प्रभु कहता है, क्योंकि जो धूनी वर्षा के पानी को उसके ऊपर बार बार पड़ता है, जैसे कि वर्षा होती है, पानी बरसता है, जमीन भीगता है, हालेलुया। और क्या होता है, किसान है जो व्यक्ति जिसे जमीन है वो जोतता है, खेत को तैयार करता है, फसल होता है, फसल के ऊपर में पानी बरसता है, फसल भीगता है, मोटा तगड़ा फसल होता है, और वो किसान है, वो व्यक्ति उसको काटता है, उसको बेचता है, फिर से पानी को प्रभु बरसाता है, फिर से ज्योति बोली जाती है, वो जमीन हरियाली ही हरियाली वहां के फसल होते हैं। तो प्रभु क्या कहता है, वो जमीन प्रभु के आशीष है, अशिक्षित जमीन है वो, हालेलुया। पर यदि वही जमीन झाड़ी और ऊट पटारे उगाती है, झाड़ी है, कांटा है, जंगल है उसमें, तो वो जमीन कैसी है, वो जमीन निकम्मी है, बेकार है, कोई लायक के नहीं, प्रभु कहता है, वो जमीन श्रापित होने पर है और अंत में उसका चलाया जाना है। आज प्रभु वो जमीन कौन है कलीसिया, वो जमीन आप और हम है, हम कैसा जमीन है, हम जरा अपने आप को परख लें और देख लें कि हम ऐसा जमीन ना बने कि जो फूटी जाए। हे महान परमेश्वर, तूने ऐसा सबक आज हमको सिखाया है प्रभु, हालेलुया। अपने जीवन को जांच कर हम परखे, हालेलुया। जोन 14:2 में प्रभु कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। 2023 तो हो गया, प्रभु चला गया है स्वर्ग, और वहां पर स्वर्ग हमारे लिए तैयार हो गया। और प्रभु क्या कहता है, जब मैं जगह तैयार करने जाता हूँ तो मैं फिर लौट कर आऊंगा और तुम सभी को लेकर जाऊंगा। ये तो बहुत सुंदर कहा है प्रभु ने, तो इसका मतलब क्या है, स्वर्ग तैयार है कलीसिया, सोने का महल तैयार है, वहां पर सोने के कमरे तैयार हैं। आज यीशु कह रहा है हमसे, स्वयं स्वर्ग दूत हमारे स्वागत के लिए फाटक के पास खड़े हैं, प्रभु यीशु हमको लेने के लिए वहां तैयार है। कलीसिया, आज एक गंभीर सवाल हम सबके बीच में है, क्या हम सब तैयार हैं वहां जाने के लिए, उस पवित्र कमरे में रहने के लिए? क्या मेरा प्राण तैयार है कलीसिया वहां रहने के लिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे जीवन में उठता है। तो हम देखें कलीसिया उसके लायक हम बन जाए, हम बेफिक्र जीवन व्यतीत करें, हम पूरी रीति से हम अपने आप को तैयार कर लें ताकि हम स्वर्ग में दाखिल हो सके। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया 6:7 में प्रभु कहता है, धोखा ना खाओ, डू नॉट बी डिसीव्ड, पागल मत बनो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, जैसे कुछ लोग प्रभु के ठट्टा करके बेइज्जती करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही तो कहेगा ना, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के मुताबिक विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा आनंद की कटनी काटेगा। तो कैसे आज हम देखे कि कौन सा बीज आज हम बो रहे हैं, आत्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा भाग दौड़ करते हैं कि हम दुनिया के लिए भाग दौड़ करते हैं? जरा अपने आप को हम संभाल ले, अभी समय है, अभी घड़ी है। Matthew 21:32 में पिता कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि योहन्ना धर्म का
मार्ग दर्शाता हुआ तुम्हारे पास आया था, पर तुमने उसका विश्वास नहीं किया। परमेश्वर से ने लोगों से कहा था, महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले स्वर्ग में है। फिर यूहन्ना के बातों के ऊपर, उसके वचन के ऊपर उन लोगों ने विश्वास कर लिया। तो कलीसिया क्यों नहीं हम सब स्वर्ग जाने की कोशिश करें। जब ये लोग चल गए, हम नहीं सोचे कि ये लोग इतना पापी, वे लोग पापी और हम लोग भी पापी हैं ना, हम सभी पापी हैं। और प्रभु हम सभी को माफ करेगा और अपना बेटा बेटी बनाएगा और हम उसके राज में जरूर राज करेंगे। हम कोशिश करें, जरूर रिपेंट हो जाए, आज समय है। हालेलुया। मैथ्यू 5:11 में प्रभु कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, बेइज्जती करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। ये कैसा लगता है ना, जब कोई हमारी बुराई करता है, निंदा करता है, दुख लगता है दिल में ना। प्रभु क्या कहता है इसके विषय में, अरे तुम आनंदित रहो, खुश रहो, मदन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है। तुम चिंता ना करो, दोनों कान से सुनो, दोनों कान से निकाल दो, प्रभु के काम करते जाओ, करते जाओ। और एक दिन तो हम प्रभु आएगा, या प्रभु आने से पहले शायद हम गुजर जाए, प्रभु जानता है, तो हम सीधे वहां चले जाएंगे यीशु के साथ में। प्रभु आज हमको यही बता रहा है, क्योंकि उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, इस बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसी रीति से उनको सताया गया था, पकड़ाव किया गया था, उनको भी ताना मारा गया था, लेकिन आज वे स्वर्ग में है। हम जाएंगे कलीसिया तो उन प्रोसेस लोगों से हम जब प्रभु हमसे मिलाएगा। हालेलुया। तो फिलिपियस 3:18 में प्रभु कहता है हमारे चरित्र के बारे में, हमारा चरित्र, हमारा करेक्टर कैसा होना चाहिए। आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में हर एक पेजेस में करेक्टर के बारे में परमेश्वर बतलाता है कि हमारा चाल चलन, हमारा जो पहनावा है, बातचीत करने का ढंग कैसा होना चाहिए, यीशु के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। जैसे वो है, हम प्रार्थना करें, वो अपना बेटा बेटी हमको बना देगा, वो क्योंकि वो राजा है, वो चाहता है उसके प्रजा उसके तरह हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बारम्बार की है, पौलुस कहता है, वो रो रो कर कहता है पौलुस, कलीसिया प्रभु कहता है अगर हमारी चाल चलन ठीक नहीं है तो हम प्रभु के क्रूस के बैरी हैं। ये वचन हमसे कहता है हम प्रभु के दुश्मन हो जाते हैं और उनका विनाश, और उनका अंत विनाश है। करेक्टरलेस पीपल, उनका अंत विनाश यानी कि नरक है, उनका ईश्वर पेट है। करेक्टरलेस पीपल आज बाइबल कहता है वे खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, केवल खाना ढूंढते हैं और अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। वे इतना बेइज्जती कराते हैं अपने आप को, उनको शर्म ही नहीं है, प्रभु कहता है, और उसके ऊपर वे घमंड करते हैं अपने आप को, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पूरा दुनिया भर के चीज में खटके चले जाते हैं ना। तो ऐसा ही यीशु कहता है, लेकिन हम मसीहों का स्वदेश जो है, सिटीजनशिप है, वो स्वर्ग में है। हालेलुया, यीशु के नाम से हालेलुया। और हम एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वहां से आने की बात छोड़ रहे हैं, हम इंतजार करते कि हमारा यीशु आएगा हमको लेने के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हिब्रूस 4:6 में प्रभु कहता है जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया था। एक और है जिनको सुसमाचार पहले सुनाया गया था, ये हमारे बाप दादे, हमारे पुरखा लोग हैं, उनको यीशु ने खुद सुसमाचार सुनाया था कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आज्ञा के ऊपर आज्ञा दे रहा था यीशु ने, परंतु उन्होंने आज्ञा को ठुकरा दिया और उन्होंने आज्ञा को नहीं माना और उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया। कलीसिया हमारे जो फोरफादर्स थे वे सब जंगल में, डेजर्ट में सब मर गए, वे स्वर्ग में नहीं है, उनके लिए स्वर्ग बंद हो गया। तो क्या स्वर्ग आज बंद है?
बिल्कुल स्वर्ग बंद नहीं है, स्वर्ग आज खुला है। प्रभु कहता है किंतु औरों के लिए, हम सभी के लिए विश्राम का द्वार आज भी खुला है, आज भी हम सभी के लिए स्वर्ग खुला है। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यीशु की आवाज हम सुनते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल से यीशु हमसे बातचीत करता है, तो अपने मन को हम कठोर ना करें। हालेलुया। आज प्रभु हमसे कहता है, अतः उस विश्राम में प्रवेश करने का भरपूर प्रयत्न करो, कोशिश करो स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु कहता है। और पिता कहता है ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान, हमारे फोर फादर्स के समान आज्ञा ना मान कर गिर पड़े, वे गिर पड़े। हालेलुया। आज प्रभु कहता है, रेवलेशन हमसे कहती है 22:14 में, धन्य हो वह जो अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, रिपेंट हो जाते हैं, पाप की तरफ देखते नहीं है, उन्हें जीवन वृक्ष के फल खाने का अधिकार होगा। जो पेड़ स्वर्ग में है, फल से लगा हुआ है, परमेश्वर अधिकार देगा, परमिशन देगा कि उसमें से तोड़ तोड़ कर हम लोग स्वर्ग में फल खाएंगे। और वे लोग द्वार से होकर नगर में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाएंगे, वे लोग सब फाटक से स्वर्ग में चले जाएंगे। आज प्रभु हमसे यही कहता है कि फिर Hebrews 12:25 में प्रभु कहता है कि सावधान रहो, बी केयरफुल, बी अलर्ट, प्रभु कहता है, और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो जो यहाँ से पुलपिट में से वचन को बांट रहे, चाहे बच्चे हैं, बड़े, कोई भी है, उनसे मुंह ना फेरो, प्रभु कहता है, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके, यीशु खुद उनको वचन को बताया था, सब कुछ सिखाया था। यीशु कहता वे आंख होते हुए भी नहीं देख सकते, वे कानों के द्वारा सुन नहीं सकते, बड़े हठीले लोग, रिबेलियस पीपल। क्या हुआ कि प्रभु उसे भेड़ा खुल गया, प्रभु उससे बहुत थक गया, इसीलिए वे कहा है उसने कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, इसीलिए प्रभु ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया। तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर कैसे बच सकेंगे? ये बाइबल के वचन हमको सिखाता है, क्या हम प्रभु से मुंह मोड़ कर बच सकेंगे? कलीसिया बिल्कुल नहीं बच सकेंगे। आज तो मेरा जो वचन है यहाँ पर खत्म हुआ है, क्यों नहीं हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद है, आप लोगों ने बहुत सुंदर से सुना है, धन्यवाद है, क्योंकि ये यीशु के लिए वचन है, यीशु ने मुझे यही वचन प्रचार करने के लिए मुझे दिया। धन्यवाद है मेरे परमेश्वर हे महापिता, धन्यवाद है पवित्र आत्मा, तेरा जिंदा और पवित्र वचन के लिए मेरे परमेश्वर। जो हमा है, जो हमा काटता है, मरोड़ता है, उसी तरह तेरा वचन हमको काटता, मरोड़ता, ठोकता है, एक एक नस नस में तेरा वचन जाता हमारे हृदय में। आज हमको तैयार करता है तेरा वचन प्रभु, कि तू ने कहा है मेरा बेटा बेटी तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरा आना एक चोर के नहीं होगा प्रभु, और तू आएगा अपने बच्चों के लिए। आज प्रभु तू कहता है कि हम अपने वस्त्रों को धो ले, साफ कर ले, रिपेंट हो जाए, ताकि पिता जो भी कुछ हम पाप किए हैं हमारे शरीर के अंदर में है, हम जानते हैं प्रभु, हे पिता तू हमको दिखाना समझाना कि कहां पर हम गिर गए हैं, क्या हुआ हमारे जीवन को, ताकि अपने जीवन को हम सुधार सके, उस पर हम चल सके प्रभु, तेरा बेटा और बेटी बनकर धरती के ऊपर हम जी सके प्रभु, और तेरे स्वर की वारी संभाल सके प्रभु। आज हम सभी कलीसिया के लिए दुआ मांगते, सभी के गुनाह को क्षमा करना, हमारे बच्चों के लिए खड़ा होना परमेश्वर, हे पिता सारी महिमा बड़ाई हम तुझी को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ को तुझसे, आमीन। लॉर्ड जीसस।